नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज देखेंगे 28 अक्टूबर गुरुवार के इंडियन एक्सप्रेस में जाने लायक चीज़ें क्या थी फ्रॉम यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पेगासिस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी होगी, खासी डॉटर्स की प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में कुछ बिल बनाया जा रहा है, NABFID संस्था का नया चेयरमैन अपॉइंट हुआ, फिर कुछ एथिक्स और केस स्टडी के मामले, मिनिस्टर सिविल सर्वेंट की रिलेशनशिप, पाकिस्तान की विक्ट्री सेलिब्रेट करने की केस स्टडी वगैरह। कल रात ऑल इंडिया रैंक 2 जागृति अवस्थी के साथ मेरा सेशन था, बहुत सारी उसमें जानने लायक नई चीज़ें उन्होंने बताई। फॉर एग्जांपल, यूपीएससी जनरल स्टडीज़ पेपर 1 फॉर प्रीलिम एग्ज़ाम, आप जानते हैं उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और हर प्रश्न के 2 मार्क, तो 200 मार्क्स का पेपर होता है, और अगर आप गलत जवाब टिक करें तो 0.66 मार्क नेगेटिव मार्किंग में कट हो जाएंगे। अब हमेशा विद्यार्थियों का प्रश्न होता है, अच्छा तो हम कितना टिक करके जाएँ, और वो कुछ साल पहले जब गैस मास्टर्स का ज़माना था तो बहुत ज़्यादा टिक करने की एक चलन थी, लेकिन उन्होंने खुद साफ साफ बताया कि पहले से प्री कंसीव्ड नोशन के साथ कि मुझे ज़्यादा प्रश्न टिक करके जाने ही चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। एक्चुअली यू शुड टिक डिपेंडिंग ऑन द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, कि वहाँ पर उन्होंने खुद बताया कि कैसे 91 क्वेश्चन टिक तो किए थे लेकिन उसमें बहुत सारे गलत हुए, फिर तो स्कोर असल में देखो अराउंड 97 आया, हालांकि कट ऑफ 92 मार्क्स था, तो प्रीलिम तो क्लियर हो गई, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द डिफ़िकल्टी ऑफ द पेपर हमने वहां पर टिक करना चाहिए, दैट वाज द मैसेज। उसी तरह अलग अलग बहुत सारे आयामों पर प्रीलिम्स और मेंस के सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, सिक्योरिटी, हर चीज़ पर डिटेल में उन्होंने अपनी रिसोर्स लिस्ट और स्ट्रेटेजी बताई, वो सब चर्चा हुई है, जिन्होंने नहीं देखा वो भी जाके देख लेना। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी की पेपर 1 और पेपर 2 में कैसे उसे हैंडल किया जाए, निबंध को कैसे लिखा जाए, इंटरव्यू में क्या करना है, उसके बारे में भी उनके फ्री क्लासेस होने वाले हैं, जो ये लिंक में दिए हैं, यू कैन एक्सेस देम, फ्री अनलॉक कोड इज़ mrunal.org। तो खैर मेन मुद्दे पर आते हैं, पेज वन में बड़ा समाचार क्या था, ये सब पेगासिस जुडिशियल रिव्यू, अभी हम इस पर बहुत PhD नहीं करेंगे। मामला कुछ वो जानते हैं, पेगासिस नाम का इज़राइल की एक कंपनी ने जो स्पाईवेयर बनाया जिससे फ़ोन पर और हर जगह आपकी स्पाइंग हो सकती है, आरोप ये लगा भारत सरकार ने, ये सब विपक्ष पे, राहुल गांधी पे, वो सब पे इसकी इलीगल तरीके से स्पाइंग की है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सरकार का ये कहना है कि ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो इसमें अब न्यायिक जांच और समीक्षा और कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी का भूत खड़ा करके ये नहीं बोल सकते कि स्टेट कैन नॉट गेट अ फ्री पास एवरी टाइम द स्पेक्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इज रेज्ड, क्योंकि कोर्ट का अधिकार है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है वो। सेपरेटली मित्रों, वेस्ट बंगाल ने भी अपनी एक समिति बनाई थी इसकी इंक्वायरी के लिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो एक समिति बनाई है, RV रविंद्रन कमिटी, जो अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करे तब तक वेस्ट बंगाल वाली जो जस्टिस लोकुर की कमिटी है उसने अपना काम अभी पॉज कर दिया है। अब इस पर वैसे भी आज भी और भविष्य में भी बहुत सारे कॉलम आते रहेंगे, लेकिन अपनी परीक्षा कल सुबह नहीं है, इसमें आप समझिए ये जस्टिस RV रविंद्रन कमिटी अपना रिपोर्ट देगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वापस अपने ऑब्जर्वेशन देगी, सो वेन द एंटायर मैटर गेट्स डेवलप्ड उसे हम और आराम से पढ़ेंगे। इसी के बारे में कल रात ये जो कार्यक्रम हुआ था स्ट्रेटेजी वाला, उसमें भी रैंक 2 ने ये बताया कि पॉलिटी गवर्नेंस में उनकी अप्रोच क्या रही थी, ऐसे जो जो बड़े सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं तो एक एक दो दो लाइन में ही याद रखने, क्योंकि वो अपने आप में प्रश्न बन जाए, ऐसे केस हर बार नहीं होते, लेकिन हमें वो एक एक दो दो लाइन में उसका व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दिस और दैट, और दूसरे अलग अलग प्रश्न मेंस पेपर 2 और एथिक्स में आप उसे कोट कर सके, उतनी उसकी यूटिलिटी अभी के लिए समझनी चाहिए। अपने को इधर मतलब LLB करके खुद में PIL सुप्रीम कोर्ट में डाल दो, इतना विशेषज्ञ बनना नहीं है। आगे बढ़ते हैं पेज 2, एनवायरमेंटल एथिक्स। ये जो सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, गटर का पानी जो घर से आता है या टेक्सटाइल और दूसरी फैक्ट्री से जो गंदा पानी आता है उसे वो ट्रीट करेंगे, उसमें से एकदम जहरीले द्रव्यों को हटा देंगे, और फिर ऐसा ट्रीटेड वेस्ट वाटर वो नदी में छोड़ते हैं, जो ऐसा पानी होना चाहिए कि उसमें ऐसा कोई बहुत ख़राब केमिकल ना हो जो कि फिश पॉपुलेशन या वाटर के अंदर ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ा करे।
सो इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये सब सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम कैसे करते हैं, उसका मालिक कौन है? धीरे धीरे ये हो रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम हो रहा है, कि जहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर कंपनी मिलके एक स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी बनाए और वो कंपनी ये सब करे, और फिर गवर्नमेंट जनता से सुवेज फीस, यूज़र फीस के नाम पे पैसा ले और इस कंपनी को उसमें से हिस्सा दिया जाए, लाइक दैट। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो आता है तो कुछ बार प्रॉफिटेबिलिटी के चक्कर में ये पाया गया है कि दे आर नॉट डूइंग द प्रोसेसिंग ऑफ द वेस्ट वाटर प्रॉपरली, ताकि उनका अपना इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी का खर्चा, तो जैसा गंदा पानी आया बिना ट्रीट किए ऐसे ही दे दनादन छोड़ दो नदी में। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर जिन्होंने ये सब चेक करना चाहिए वो भी शायद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी उसमें से कुछ किकबैक ब्राइब्स मिल रहा है। तो ये सब क्या है? एनवायरमेंटल एथिक्स, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट ऑल्सो एथिक्स इज रिक्वायर्ड। अब ट्रेडिशनल चीज़ें तो हम समझते हैं, वो जंगल नहीं काटो और जानवरों को नहीं मारो, लेकिन ये भी सोचने का मुद्दा है। आगे बढ़ते हैं पेज फाइव पे, टू पेज टू के बाद थ्री फोर फाइव कुछ खास काम की चीज़ें नहीं थी। पेज सिक्स, नीति आयोग ने कहा है एक स्टडी करवाएंगे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो स्टडी कंप्लीट होने दो, रिपोर्ट आने दो, उसको बोलने दो, फिर हम पढ़ेंगे। उसके अलावा फेशियल टेक्नोलॉजी का क्या बेसिक आइडिया है या उसमें क्या दिक्कतें हैं या चैलेंजेस, और कैसे वो चीन में कुछ अल्पसंख्यकों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर उनको हैरेसमेंट वगैरह, तो वो हम पहले ही देख चुके हैं, ये एक्सेल फाइल में देख लेना, कुछ महीने पहले देखा था सब। आगे बढ़ते हैं पेपर फोर, मीन्स पेपर फोर में मिनिस्टर सिविल सर्वेंट रिलेशनशिप, नेता और अफसर के संबंध। अब उसमें वैसे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की किताबें पढ़ें जिसमें भी थोड़ी बहुत ये सब एथिक्स की बात होती है, उसमें एक GCPT क्लीशेड केस स्टडी आपको मिलेगी, राजीव गांधी की एक कोई सेक्रेटरी रैंक के IAS ऑफिसर के साथ कुछ बवाल हुई थी। लेकिन अब वो सब घिसा पिटा मामला हो गया तो वो बहुत हम जानने नहीं बैठेंगे, कुछ नए डेवलपमेंट्स देखते हैं। राजस्थान में कोरोना के दौरान भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस से काम किया और वहाँ पर केस को कंट्रोल किया गया, तो न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया वाले हाईलाइट करने लगे भीलवाड़ा मॉडल है, भीलवाड़ा मॉडल है। अब जब भी कुछ ऐसा होता है कि मीडिया कोई IAS को हीरो बनाने की कोशिश करे तो मिनिस्टर को मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उनको ये एक प्रकार से उनके भक्त लोग के यहाँ देखो सरकार और मंत्री कुछ नहीं करे, IAS कर रहा है। फिर वहाँ पर कुछ ऐसी पॉलिटिकल कमेंटिंग शुरू होती है राजस्थान में, कि जहाँ पर नेता और मंत्री ऐसा बोलना शुरू करते हैं कि ऐसा कोई भीलवाड़ा मॉडल है ही नहीं, राजस्थान में सिर्फ एक ही मॉडल है जिसका नाम है राजस्थान मॉडल और वो हमारे जो मुख्यमंत्री है उनकी देखरेख में सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, और ये सब IAS ऑफिसरों ने उसकी क्रेडिट नहीं लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ गवर्नमेंट डायरेक्टिव भी नीचे भेजा गया था कि अपना काम करो और बहुत हीरो मत बनो, ऑफकोर्स हीरो मत बनो ऐसा नहीं लिखा, अपन इन अ सेंसिबल मैनर दे उठ के अपना डिस्ट्रिक्ट का मॉडल हाईलाइट करना और ये सब तमाशे थोड़े कम कीजिए। तो ये एक हुआ मिनिस्टर सिविल सर्वेंट रिलेशनशिप। दूसरा एक पैरेलल ऐसी चीज़ हमें देखने को मिले अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसमें कमिश्नर थे विजय नेहरा साहब, तो उनके ज़माने में ट्रैफिक कंट्रोल और बाकी सब चीज़ों को बहुत स्ट्रिक्टनेस से किया, कोरोना मैनेजमेंट में भी काफ़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाई, तो स्वाभाविक है लोग खुश होकर ट्विटर पे बधाइयाँ देना शुरू करें। बट एज अ रिजल्ट वो नैरेटिव कुछ ऐसे चलने लगा कि जैसे कि ऊपर हेल्थ मिनिस्टर कुछ कर ही नहीं रहे हैं कोरोना में, भले ऐसी एक इमेज शायद खड़ी होने लगी ट्विटर पे, एंड अल्टीमेटली ही वॉज ट्रांसफर्ड। अब उसमें क्रिटिक्स का ये कहना है कि इसका इसलिए तबादला किया गया क्योंकि ऊपर मंत्री का सब काम अच्छा नहीं दिख रहा था इनके अच्छे काम के चलते। चौथा मुद्दा, ऐसा मिनिस्टर सिविल सर्वेंट रिलेशनशिप में लेटेस्ट ये जो चल रहा है अभी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर समीन वानखेड़े जो कि एक IRS ऑफिसर हैं, और सामने महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर नवाब मलिक, उनकी तू तू में हमें रोज चलती रहती है। कुल मिलाकर बात यह है कि वो नवाब मलिक कैसा कहते हैं कि ये समीर वानखेड़े करप्शन के लिए शाहरुख खान के बेटे को पकड़ा है और इनका शेड्यूल कास्ट वाला सर्टिफिकेट भी गलत है वगैरह वगैरह, और सामने समीर वानखेड़े जो कि गवर्नमेंट सर्विस में है तो वो खुद से खुल के सब बोल नहीं सकते बिकॉज ऑफ द सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स, लेकिन उनके सपोर्टर्स, सम पॉलिटिशियंस, उनके पेरेंट्स और वाइफ की सब इंटरव्यू आते रहे, तो मतलब उनका ये कहना है कि ये तो मिनिस्टर का जमाई राजा है, वही एक केस में फंसा इसलिए ये सब ऐसी हो रही वगैरह।
खैर उनका क्या चल रहा है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सब में से हमें क्या सीखना और समझना है फॉर एथिक्स पेपर पॉइंट्स टू रिफ्लेक्ट। पॉइंट्स टू रिफ्लेक्ट में पहला क्या है कि देखिए ट्रेडिशनली हम क्या सोचते थे, पारंपरिक रूप से हम क्या सोचते थे, ये माना जाता था कि अफसर ने पर्दे के पीछे रह के काम करना है, ऑफिसर शुड वर्क बिहाइंड द कर्टेंस, और उसके जो भी प्रेज है या ब्लेम है, प्रशंसा भी है और निंदा भी है, वो सब मंत्री ने जाके मंच पे सहनी है। तो अगर डिपार्टमेंट सही से काम नहीं करा तो फिर वो मंत्री ही उसको ठीक करेगा। कई बार हम ये पाते हैं कि मंत्री लोग खुद सोशल मीडिया में हीरो बनने के लिए ऐसा बोलते हैं, वो तो ऑफिसर काम नहीं कर रहा है, तो तुम ऊपर बैठे हो साहब के रूप में, तुम ठीक से क्यों नहीं देख रहे उसे। लेकिन ये यही कि सोशल मीडिया के ज़माने में अब ऐसा नहीं है कि ऑफिसर पर्दे के पीछे रहे और मिनिस्टर हमेशा हीरो बनता रहे। कई बार ऑफिसर खुद अपनी सब वीडियो बनवा के मीडिया में डलवाता है और कई बार उसके प्रशंसक सोशल मीडिया में वो सब चलाते रहते हैं। स्वाभाविक है एक हद के बाद मंत्रियों को मज़ा नहीं आएगा कि ये क्यों हीरो बन रहे हैं, हमारा हीरोगिरी क्यों नहीं आ रही है, और उसकी प्रतिक्रिया के रूप में फिर मंत्री कुछ उस पर बोले या फिर उसका तबादला कर दे, ट्रांसफ़र कर दे, या उस पर करप्शन के आरोप लगाए, ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबिलिटीज़। सो देन व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, या क्या इसमें गंभीर चीज़ है, ये जो इधर मिनिस्टर और ये IRS ऑफिसर की आपस में लड़ाई चल रही है, एंड देन पब्लिक वॉशिंग ऑफ द डर्टी लॉन्ड्री, आरोप लगाए जाएं सोशल मीडिया पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इससे असल में डिमिनिशिज द डिग्निटी ऑफ द ऑफिस, जो उनका पद है उसकी गरिमा कम होती है, क्योंकि सब लोग क्या सोचेंगे, ये तो मंत्री ऐसे ही होते हैं और ये ऑफिसर ने कुछ ऐसा ही होगा, तो पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द पुलिस इन्वेस्टिगेशन वो भी कम हो जाता है। तो ये असल में जनता का लोकतंत्र, लोक प्रशासन, पुलिस प्रशासन में विश्वास को कम नहीं हो जाए, ये इनकी जिम्मेदारी है। तो इन्होंने क्या करना चाहिए, इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम्स, क्या कर सकते थे वो, असल में उन्होंने आगे फरियाद करनी चाहिए, कोर्ट में फरियाद करो, किसी IAS ऑफिसर को लगे मुझे प्रमोशन नहीं मिला या ट्रांसफ़र ठीक नहीं हो रहा है, तो वो कैट ट्रिब्यूनल में कुछ कर सकता है, मान लीजिए उसका कास्ट सर्टिफिकेट गलत है और नौकरी ली है, तो उसका भी कोर्ट या DOPT में शिकायत करे, CMPM के पास जाके शिकायत हो सकती है। सो दे शुड यूज़ द अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म्स रादर देन डूइंग द कॉन्ट्रोवर्सी एंड पब्लिक वॉशिंग ऑफ लॉन्ड्री इन पब्लिक। पेज 8 पे चलते हैं, एक और केस स्टडी या एथिक्स का सोचने का मामला। कुल मिलाकर बात यह है कि कोई एक टीचर थी प्राइवेट स्कूल में, तो पाकिस्तान T20 मैच जीत गया, उसके बाद उसने ये व्हाट्सएप स्टेटस डाला, जीत गए वी वॉन। अब उसका ये कहना, ये तो मैं मजाक में डाल रही थी, लेकिन स्वाभाविक है पेरेंट्स और कुछ ग्रुप्स वो जिद में आ जाएंगे। तो अभी माँ बाप ने शिकायत की कि ये टीचर को नौकरी से निकालो, क्योंकि ये तो देशद्रोह के पाठ हमारे बच्चों को पढ़ा सकती है। और शिक्षिका ये कहना, ये तो मजाक में स्टेटस डाला था, और वैसे भी अगर पाकिस्तान की टीम अच्छा खेली और मैं कहूँ अच्छा खेला, तो उसमें मैं देशद्रोही कैसे, यू आर मतलब टीम ऑफ अ कंट्री इज़ नॉट सेम एज नेशनलिज्म वगैरह वगैरह। अब इसमें प्राइवेट स्कूल के ओनर ट्रस्टी को सब लोग बोले इसको नौकरी से निकालो। सो द क्वेश्चन इज, एज द प्राइवेट स्कूल ओनर व्हाट विल यू डू, अगर आप नौकरी से नहीं निकालेंगे और ये सब और धमाल करते रहें और अपने बच्चों को स्कूल से उठा लें, तो स्कूल की फीस के रूप में आपकी कमाई में असर हो सकता है, दैट टू इज़ अ पॉइंट टू रिफ्लेक्ट। और सामने ये भी तो सोचना है कि पनिशमेंट शुड नॉट बी डिसप्रोपोर्शनेट टू द क्राइम और एरर, व्यक्ति की जो गलती या गुनाह है वो उसके अप्रोप्रिएट कुछ सज़ा होनी चाहिए, फिर ऐसा नहीं कि उसको नौकरी से निकाल दो, तो ये क्या इतना बड़ा मामला है व्हाट्सएप पे कुछ लिखना। सो थिंक ऑन दोज लाइन। एंड थर्ड थिंग, ये जो हम सोशल मीडिया में आज का ज़माना है, आप कुछ भी लिखे बोले वो बहुत सारे लोग उसे स्क्रूटिनाइज करेंगे, और हर एक को आपका स्वाद पसंद हो ये ज़रूरी नहीं है। एज अ रिजल्ट, एवरी एडल्ट शुड एक्ट सेंसिबली, संवेदनशीलता और संयम से हर एक वयस्क ने देखना चाहिए अपना काम, खासकर ऐसे लोग जो कि कोई जॉब या बिजनेस कर रहे हैं जहां पर उनका पब्लिक, कस्टमर और बड़े मास समूह के साथ लेन देन है। आप पाते ही ई लर्निंग साइट्स में भी कुछ टीचर कुछ अनशंट बोलते रहते हैं और सोशल मीडिया में हंगामा होता है, जिसके चलते बाकी भी लोग जो उस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं उनको भी दे आर पुट इन डिफ़िकल्ट पोजिशन। तो हर एक ने समझ के काम करना चाहिए, भाई तुम नौकरी और धंधा लेके बैठे हो तो अपना काम करो, ये सोशल मीडिया में क्यों सब डालना है। आगे बढ़ते हैं,
विमेन प्रॉपर्टी राइट्स। खासी समुदाय वो एक मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, वो ऐसा कि वहाँ पर पारंपरिक रूप से जो माँ बाप की संपत्ति मिलकत है वो सबसे छोटी बेटी को दे दी जाती है। अब दे दी जाती है इसका मतलब ये नहीं कि मालिक है, असल में वो कस्टोडियन के रूप में, कि उसने सब देखना है और बाकी सब भी जो भाई बहन है उन सब का भी ख्याल वो रखे, ऐसे ही पूरी सिस्टम होती है। लेकिन इसमें अब मॉडर्न एज में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, एक तो बड़ी बेटी को कुछ नहीं मिलता प्रॉपर्टी में, सिर्फ छोटी बेटी को मिले, और दूसरा बेटा है उसे भी कुछ नहीं मिलेगा, और अगर बेटे को बैंक से लोन लेना हो तो भी नहीं मिलता क्योंकि गिरवे रखने के लिए कुछ प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए कि मेरा ये घर है या मेरा खेत है या मेरी ये फैक्ट्री है, तो उन्हें भी दिक्कतें आती। इसलिए काशी हिल डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वो आप जानते हैं फिक्स फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल एरियाज, छठी अनुसूची वाले विस्तार, तो वहाँ पर उनकी खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट की ये जो काउंसिल है वो एक नया बिल बना रही है कि जहाँ पर एक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंटल प्रॉपर्टी, मतलब बेटा बेटी दोनों को समान रूप से संपत्ति में बंटवारा हिस्सा मिले, तो क्या ऐसा हो जाएगा? वो ऐसा है कि सिक्स शेड्यूल के हिसाब से भले वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऐसा कानून पास करे लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य की विधानसभा है उसने भी उसे पारित करना होगा तब जाके वो इम्प्लीमेंट हो। सो दैट इज वीमेन प्रॉपर्टी राइट्स फॉर ऑर्डिनरी पीपल। राजघरानों में क्या होता है वो कल रात याद करो हमने पढ़ा था, वो जापान की प्रिंसेस माको को नहीं मिलेगी संपत्ति क्योंकि उसने आम आदमी से शादी की। आगे पेज 11 और 10 में सब कॉलम्स हैं। अब कॉलम्स में कुछ आप जानते हैं आज ये सब पूरा मामला क्या है, पेगासी स्पाइवेयर, फिर ये वैक्सीन के 100 करोड़ डोज हुए उसकी सब प्रशंसा की, फिर एक रेडिकलाइजेशन डी रेडिकलाइजेशन के बारे में है, फिर एक प्रिजनर राइट्स एंड अंडा सेल, वो ऐसा है कि वो जेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कोई कैदी ज़रूरत से ज़्यादा धमाल करता हो या उसको सबक सिखाना हो तो अलग से उसे एक रूम में बंद कर दिया जाए अंडा सेल में, वो सब चीज़ें। अब उसमें से कुछ आप पढ़ सकते हैं वोकैबुलरी बेहतर करने के लिए, बाकी जो मेन चीज़ें वो अभी डेवलप नहीं हुई, मैंने आपको बताया पेगासस का अभी कमिटी रिपोर्ट जजमेंट वो सब आए फिर हम उसे समझेंगे। एक और कॉलम है इंटरनेशनल एथिक्स के बारे में। ये कुल मिलाकर मामला ऐसा है कि 1995-96 का ज़माना था, तो डेनमार्क का ये नागरिक किम डेवी, उसने वेस्ट बंगाल के पुरुलिया ज़िले के ऊपर हवाई जहाज से सब हथियार फेंके थे। अब ऐसा उसने क्यों किया था, उसका अपना तो नैरेटिव ऐसा है कि मुझे ऊपर से पी वी नरसिम्हा राव ने ये सब करवाया था कि इधर तुम आर्म्स ड्रॉप करो क्योंकि वहाँ की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल की वो सब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर पे अत्याचार कर रही है, तो उन सबको डिफेंड करवाने के लिए हथियार डाले जाएं, ऐसी सब उसकी नैरेटिव एंड एलिगेशन है। अभी साबित तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि वो मामला सालों साल चल रहा है। अब भारत सरकार बोल रही है कि इसको डेनमार्क से इसका प्रत्यार्पण करो, लेकिन डेनमार्क का ये कहना है कि वी कैन सेंड हिम प्रोवाइडेड विथ टू कंडीशन, पहला इसे डेथ पेनल्टी ना दी जाए भले ये अपराधी साबित हो, और दूसरा इवन इफ ही इज कन्विक्टेड उसे डेनमार्क की जेल में रहने दो, वो जैसा इटालियन मरीन वाले केस में भी शायद यही हुआ, आपको वो एनरिका लेक्सी केस मालूम होगा, वो इटालियन मरीन थे, कुछ गोलियां चलाई उन्होंने, केरला के मछुआरे मारे गए, देन समथिंग वेंट बैक टू इटाली, तो ये सब ऐसा चाहते हैं। अब कुछ सालों तक तो इसके चलते भारत और डेनमार्क सरकार में इसकी प्रत्यार्पण की लड़ाई में हमारे रिश्ते खराब हो गए थे डेनमार्क के साथ, लेकिन अभी कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार ने इस मामले को भुला दिया है या फिर कि पहले जितना एक्टिवली परसू नहीं कर रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि डेनमार्क सरकार के साथ हमको आर्थिक और सामरिक रिश्ते अब बेहतर करने हैं, वी वॉन्ट टू इम्प्रूव अवर इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक टाइज विद डेनमार्क, तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं? सोचिए आप, अमेरिका ने क्या कुछ ऐसा किया, वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आतंकवादियों से हम निपटेंगे और वी विल प्रोटेक्ट द फ्रीडम, तो अफगानिस्तान से क्यों वापस आ गए, उसी तरह वियतनाम से क्यों वापस आ गए? भाई जो ग्रेट पावर होते हैं कभी कभी उन्होंने ह्यूमिलिएशन यानी अपनी गजब बेइज्जती भी हो जाए तो भी कुछ केस में हटके लंबा चित्र देखना चाहिए कि फालतू में अफगानिस्तान में इतने सारे सोल्जर और पैसा क्यों डालना है, वैसे भी कोरोना में अपने को घर पे भी पैसों की कमी है। सिमिलरली
इंडियन गवर्नमेंट पर क्या प्रेशर है कोरोना के बाद, वी नीड टू इम्प्रूव अवर एक्सपोर्ट्स, वी नीड टू क्रिएट जॉब्स, तो ये डेनमार्क और यूरोप के सब देशों के साथ बेहतरी करना ज़रूरी है। तो एक पुराने मामले के चक्कर में 1996 वाला, ऑफकोर्स इट इज़ अ बैड थिंग और उसमें भी पनिशमेंट मस्ट बी गिवन, लेकिन उसके चलते पूरे देश के साथ व्यापारिक रिश्ते ही नहीं सुधरे, वो लोक कल्याण नहीं है। तो इंटरनेशनल एथिक्स उसके मामले अलग चलते हैं। एवरीथिंग दैट इज़ आइडियलिस्टिक इन थियरी कैन नॉट बी प्रैक्टिकल इन रियल लाइफ। वो सब सोचने बैठे तो श्रीलंका के साथ भी नहीं होना चाहिए कोई रिश्ता, क्योंकि वहाँ श्रीलंका में तमिलों के साथ जो अत्याचार हो रहा है। बट समटाइम्स वी हैव टू मेक फ्रेंडशिप्स फॉर द इकोनॉमिक टाइज। आगे बढ़ते हैं पेज 16 एक्सप्लेन सीरीज में, रिजर्वेशन एंड रिलीजन। कुल मिलाकर बात ऐसी है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी में रिजर्वेशन, तो धर्म की अनिवार्यता वो ऐसी है कि ऐसी रिजर्वेशन उसी को मिल सकता है जो हिंदू, सिख या बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करता है। एसटी रिजर्वेशन में ऐसा नहीं है कि आप ये स्पेसिफिक धर्म हो तो ही मिले। अब इसमें ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि ये जो आईआरएस ऑफिसर समीर वानखेड़े, उस पर ऐसा आरोप है कि असल में उसके पिताजी मुस्लिम थे, इसने जो शादी की वो भी मुस्लिम तरीके से की, लेकिन फिर भी इसने वो एससी सर्टिफिकेट बनाकर यूपीएससी क्लियर किया और रिजर्वेशन का लाभ लिया, जो गलत है, क्योंकि मुसलमान जो है उसे एससी वाला रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, सिर्फ हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट को मिल सकता है। ये एक बात हुई, ये सब चल रहा है। और दूसरा कि अगर कोई एससी एसटी महिला अगर नॉन एससी एसटी हस्बैंड के साथ शादी करे तो बेटे या बेटी की कास्ट क्या होगी? बाय डिफॉल्ट पारंपरिक रूप से ये माना जाता है उस केस में जो नॉन एससी एसटी हस्बैंड है उसकी कास्ट मानी जाएगी। बट देर आर सम कैवियट्स, कुछ शर्तें हैं। मान लीजिए ऐसा सीन बने कि जहाँ पर माता ने अकेले ही उस बच्चे को बड़ा किया हो, मान लीजिए ऐसा कि बिना शादी के अवैध संबंध में जो बच्चा पैदा हुआ, या फिर कि डाइवोर्स ही है, या फिर कि विडो है, तो फिर उस केस में वो चाइल्ड भले उसका बाप नॉन एससी एसटी हो, लेकिन उसे माता वाला मतलब एससी एसटी वाला रिजर्वेशन का लाभ मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं पेज 18 इकोनॉमी, तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। अभी हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, सिंपल रीजन, ये जितने ऐसे फालतू के रिपोर्ट आते हैं इसलिए क्योंकि ऐसे रोज आते ही रहेंगे अभी, तो वो हम पढ़ेंगे एक साथ, देखेंगे किधर देखेंगे, विन 22 सीरीज जो अगले साल फेब्रुआरी में मैं शुरू करूँगा। फिर है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, ये ना तो स्टैचूटरी बॉडी है ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका चेयरमैन विवेक देबरॉय, 2 साल के लिए वापस इसको बनाया है, हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। मतलब ये बेसिक थियरी जो मैं बताई आपको 2 लाइन, उसके बियॉन्ड हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। न्यूज़पेपर में तो आज बड़ा सा आर्टिकल दिया है कि इसने अलग अलग बार कितनी कितनी सजेशन दी। भाई यूपीएससी के आप इकोनॉमी के मेंस के प्रश्न देखिए, वहाँ पर जो थीम पूछे जाते हैं वो ऐसे कि जो इकोनॉमिक सर्वे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने बनाया है उसमें क्या थीम्स हाईलाइट है, उसके आसपास चर्चा होती है। इन लोगों ने अलग से क्या बोला, अगर 15 फाइनेंस कमीशन होता तो हाँ अलग से क्या बोला हम उस पर बैठने जाते। दिस इज़ अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ये इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं कि कुछ लोग नहीं इसी में अब झंडा लेके घुस जाएंगे, आज जितना भी दिया है रेकमेंडेशन सारे पढ़ेंगे, छोड़ो आगे बढ़ो। ऐसा ही एक और मुद्दा, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, NABFID, ये क्या है हम पढ़ चुके हैं। मेरी विन 21 सीरीज फ्री में सारे लेक्चर जो थे अपडेट के पिलर 1B में हमने पढ़ लिया, इसमें नया डेवलपमेंट सिर्फ एक लाइन का है कि इसका चेयरमैन कौन होगा, KV कामत, तो खेल खत्म। मित्रों करंट अफेयर्स में कुछ आ जाए तो हम उसको पढ़ने बैठे, वो जो रिएक्शनरी वाला अप्रोच है इट इज़ नॉट हेल्पफुल। जो बड़े बड़े बल्क के रूप में आपने सब टॉपिक और सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये था अपना आज का न्यूज़पेपर, सी यू नेक्स्ट टाइम।